हेलो बच्चा लोग, अनुभा मैम की प्रयोगशाला में आपका फिर से स्वागत है। एंड आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड। जल्दी से बता दो कि एकदम एक्साइटेड हो, क्योंकि आज का वीडियो भी सुपर डुपर ऑसम होने वाला है। करेंगे क्या? लेकिन हम टॉपिक टाइटल से ये तो गेस कर सकते हो करेंगे क्या, कि आज करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड चैप्टर का। क्योंकि मैंने आपको बताया है न्यूट्रलाइजेशन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल्सो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे एसिड एंड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो आज आपकी अनुभा मैम आपको एक और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट दिखाने वाली है, दैट हाउ एसिड एंड बेस विल रिएक्ट टुगेदर टू गिव सॉल्ट अलोंग विद वाटर। अब आप बोलोगे मैम सॉल्ट तो पानी में मिक्स हो जाता है, तो आप दिखाओगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो अनुभा मैम को ट्रस्ट करो, अच्छे से पता चलेगा, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखते हैं, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि शेयर करोगे तभी सबको पता चलेगा दैट योर अनुभा मैम, योर ईजी मैम इज डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आप सिर्फ प्रैक्टिकली सिर्फ रिएक्शंस को याद ना करो, क्रैम ना करो, उसको देख भी पाओ कि अगर आप लैबोरेटरी में गए तो कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि करने क्या वाले हैं हम आज। देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास मेरा एसिड है और बेस है। मैम ने ग्लव्स क्यों नहीं पहने हैं? बिकॉज अभी तो ये बॉटल बंद है। डोंट वरी, मैं प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो कर रही हूँ। बट हाँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने किया है काम लैबोरेटरी में काफ़ी टाइम। आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि बिना ग्लव्स के इसको हैंडल करने की कोशिश, स्पेशली एसिड को मत करना, तो दैट्स अ डाइल्यूट एसिड, बट फिर भी हार्म करेगा। नॉट श्योर दिखाई देगा कि नहीं, बट मुझे पता है कि अगर ये ना पढ़ पा रहे हो, दैट डजेंट मैटर। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या लिया है। ये डाइल्यूट HCl है, ठीक है, ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिया है। उसके अलावा मैंने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलो फिर। और हम क्या करेंगे, मैंने इस मेजरिंग सिलेंडर से, इसको मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं, मैंने एसिड ऑलरेडी निकाल लिया है अपने आराम से, ग्लव्स पहन के ड्रॉपर से, ऐसे ड्रॉपर लेके बारी बारी से इसमें डाला है, कितना 5 ml, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, उस 5 ml में एसिड में मैं बेस डालूंगी, उसको न्यूट्रलाइज करूंगी। द प्रॉब्लम इज दैट मैम, हमें कैसे पता चलेगा न्यूट्रलाइजेशन हुआ है? तो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन बताऊं, इसके लिए मैंने एक इंडिकेटर लिया है, दैट इज फिनोफ्थलीन, ठीक है। फिनोफ्थलीन से होगा क्या स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फिनोफ्थलीन जब भी एसिड के साथ आप उसको ऐड करोगे, कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप बेस में ऐड करते हो तो एक बहुत ही सुंदर मैजेंटा पिंक कलर दिखाई देता है। यस और नो, बिल्कुल बताओ मुझे। तो मैं क्या करूंगी, अपने एसिड में 1 to 2 drops फिनोफ्थलीन डालूंगी, कोई कलर चेंज नहीं एसिड में, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस ऐड करना शुरू करूंगी। तो एसिड में जितने भी हाइड्रोनियम आयन है वो बेस के OH आयन से रिएक्ट करने शुरू करेंगे जैसे ऐड करती जाऊंगी, और हाइड्रोनियम आयन और मेरे OH आयन मिलके न्यूट्रलाइजेशन करें, H आयन जो हाइड्रोनियम ने दिए और OH आयन जो बेस ने दिए वो मिलके वाटर बना रहे, मतलब न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एसिड को। और जब मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करती चली जाऊंगी, एक टाइम ऐसा आएगा सारा हाइड्रोनियम आयन OH आयन ड्यू टू माई बेस जो मैं ऐड कर रही हूँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा 1 to 2 drops भी बेस की मैं ऐड करूंगी, तो अमाउंट में न्यूट्रलाइजेशन के बाद बेस की ड्रॉप्स ज़्यादा है, मतलब बेस जो ज़्यादा है, OH आयन जो ज़्यादा है, वो मेरा फिनोफ्थलीन जो इसके अंदर पड़ा हुआ है उसके साथ रिएक्ट करके एक ब्यूटिफुल मैजेंटा कलर देगा, और मुझे पता चल गया कि न्यूट्रलाइजेशन कम्प्लीट हो गया, तभी बेस ज़्यादा आया और मुझे कलर चेंज देखने को मिला। अब समझ में आया कैसे करेंगे? बिल्कुल वंडरफुल वंडरफुल, तो शुरू करें, बिल्कुल शुरू करेंगे। देर किस बात की, पहले फिनोफ्थलीन ऐड कर लेते हैं। ये है मेरा फिनोफ्थलीन ड्रॉपर, लिया है मैंने वॉश करके अच्छे से, पता है ना घर का आरओ वाला पानी बताया था ना, डिस्टिल वाटर नहीं है। एंड चलो 1-2 drops ऐड कर लेते हैं। यप, एंड ओके, 1 drop 2 drop, ठीक है, इतना विल बी सफिशिएंट। इधर मैंने पानी रखा हुआ है एक इसमें
छोटे से बीकर में, उसमें मैं इसको डाल देती हूँ, इसको यूज नहीं करना, डाइल्यूट वगैरह कर सकती हूँ। मैंने अपने टेस्ट ट्यूब मैंने अपने ड्रॉपर होस में डाल दिया है। ठीक है, चलो इसको बंद कर देते हैं। ये मेरा बेस था NaOH, ठीक है, मैं बेस को ओपन कर रही हूँ। बेस इतना हार्मफुल नहीं है, आई कैन हैंडल इट विद माई हैंड, बेयर हैंड ऑल्सो, ठीक है, और मुझे पता है, डोंट वरी, आई वॉन्ट हार्म माई सेल्फ। यस, तो चलो इसको ओपन करते हैं। ये ओपन ही था लूपर। ओके, चलो फिर ये खुल गया, खुल जा सिम सिम। यस, एंड ये दूसरा ड्रॉपर था, दो दो ड्रॉपर है मेरे पास। इससे हम क्या करेंगे, बेस को डालना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चलो फिर, अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है मैंने इसको, बेस डाला, एसिड, और आप कुछ ड्रॉप डालोगे, शेक करोगे, ठीक है। याद करना, 5 ml मेरा क्या था स्टूडेंट्स, मेरा 5 ml एसिड था, 5 ml बेस के साथ, क्योंकि इक्वल स्ट्रेंथ है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। वो जो मैंने फिनोक्सिलिन डाला था, शेक कर लिया, अच्छे से मिक्स हो गया उसके अंदर। चलो फिर, देर किस बात की, शुरू करते हैं। ड्रॉप, शेक, फ्यू ड्रॉप्स, शेक, ओके, चलो फ्यू मोर ड्रॉप्स, शेक शेक शेक, ओके, शेक शेक शेक, एंड चलो करते जाते हैं, आपको पता चल जाएगा हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है ना। इससे OH आयन बेस की वजह से एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे थोड़ा थोड़ा टिंच मिलनी शुरू हो गई है, तो मैं प्रॉपर रिजल्ट दिखाऊंगी। 5 ml के आसपास मुझे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अराउंड 5 ml ही बेस लगेगा, ठीक है। ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है, चलो मिक्स किया, वंडरफुल, अभी तो कोई कलर चेंज नहीं देखने को मिल रहा। करते रहते हैं, करते रहते हैं। Can you see the magic? Magic of what? Chemistry. पिंक कलर कितना प्यारा, कितना सुंदर, ठीक है। क्यों है ये? OH आयन ज्यादा हो गए हाइड्रोनियम आयन से, और फिनोक्सिलिन जो इसमें पड़ा था उसके साथ मिलके क्या बना रहे हैं, एक मैजेंटा कलर का कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो सकता है, देख रहे हो, मतलब ये हिंट दे रहा है तुम्हें, हिंट दे रहा है कि मेरा OH आयन धीरे धीरे ऑलमोस्ट एक्सीड करना शुरू कर चुका है, और करते जाते हैं, हार नहीं माननी है, एकदम जो वो पिंक कलर है वो मतलब इसमें रहना चाहिए परमानेंटली, तब मुझे पता चलेगा, आना शुरू हो गया है। वेट करेंगे, शेक करेंगे, डिसअपियर, इजंट केमिस्ट्री, इजंट इट दैट केमिस्ट्री सो ब्यूटिफुल, एंड जब मेरा पिंक कलर मतलब यहाँ पे सेटल हो जाएगा, गायब नहीं होगा, मतलब OH आयन एक्सीड कर गए, और जब ऐसा होने लगे ना, मतलब OH आयन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करें, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे हम पहुंचने वाले हैं। यस, आई थिंक दिस इज गोइंग टू स्टे, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, वेट करना इज गुड, क्योंकि सब्र का फल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का अच्छा रिजल्ट होता है। ओके, लेट्स सी, यस, दिस इज गोइंग टू लास्ट, कितना ब्यूटिफुली वो कलर नीचे जा रहा है, देखने को मिल रहा है ना, आज तो मजा आ रहा है, अरे धीरे धीरे डिसअपियर भी हो रहा है, मतलब कंपैरेटिवली, और सेटल डाउन होने की भी कोशिश कर रहा है। चलो एक और ड्रॉप डाल के देखते हैं, आई थिंक नाउ यू कैन सी दिस ब्यूटिफुली, राइट, परमानेंट पिंक कलर डांस कर रही है, ठीक है, इसका मतलब है अभी बेस ज्यादा हो गया है, न्यूट्रलाइजेशन ऑलरेडी एंड पॉइंट मुझे मिल चुका है। तो इस तरीके से वी कैन मेक श्योर दैट एसिड बेस इज रिएक्टिंग टुगेदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, यू हैव सीन दिस रिएक्शन ऑन योर द स्क्रीन ऑल्सो, मैंने एक जगह ऐड किया है कि कैसे यहाँ पे मेरे NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद HCl एंड एक्सचेंज ऑफ आयन सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बनाएगा एंड वाटर मिलेगा, तो सॉल्ट वाटर बन चुका है, इसमें न्यूट्रलाइजेशन आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ भी आया होगा, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा रिजल्ट भी देखने को मिला आपको।